नमस्ते, आप सब लोग को ग्रेंको इंजीनियर चैनल में स्वागतम। मैं सुरजीत चौधरी बोल रहा है। आज ग्रैंड एचजेड 60 सुनसुन योटिंग डीसी एयर पंप का बारे में बताएंगे। डीसी एयर पंप 12 वोल्ट में चलता है। ये डीसी एयर पंप आप तीनों पावर सप्लाई में चला सकता है। एक है आपका 12 वोल्ट डीसी बैटरी से, और एक है सोलर पावर पैनल लगा के भी आप यूज कर सकता है। सोलर पैनल में डीसी से एसी कन्वर्टर नहीं बैठा के भी ये पंप आप चला सकता है। डायरेक्ट बैटरी और एसी पैनल बोर्ड लगा के, सोलर पैनल बोर्ड सिस्टम लगा के 12 वोल्ट बैटरी देके पंप चला सकता है 24 आवर्स। और आप एसी से डीसी एडोप्टर यूज करके एसी पावर सप्लाई से डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करके भी ये पंप चला सकता है। ये पंप का पैकिंग बॉक्स देखने में ऐसे ही होता है। इसमें आपका टेक्निकल डिटेल्स लिखा रहता है, और आपका एप्लीकेशन भी किधर किधर में एप्लीकेशन कर सकता है उसका भी डिटेल्स रहता है। ये आपका डीसी 12 वोल्ट में चलता है। 60 वाट पावर कंजम्पशन है। इसका एयर प्रेशर है 70 kPa, सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर है, और एयर फ्लो है 85 लीटर पर मिनट। ए पंप आप यूज़ कर सकता है 20,000 से 25,000 लीटर टैंक, बायोक्लॉक टैंक, फिश टैंक में। ए पंप का मेन खासियत है लो पावर कंजम्पशन, ओनली 60 वाट पावर कंजम्पशन में 6 एम्पियर करेंट लेके आपका 20,000 से 25,000 लीटर पानी को एरेशन कर सकता है। ये आप फिश ट्रांसफर करने के लिए भी ये यूज कर सकता है। ग्रैंड डीसी एयर पंप लो पावर कंजम्पशन है, हाई एयर प्रेशर है। हाई एयर प्रेशर रहने से ये वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन का कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। जितना एयर पंप है सबसे प्रेशर ज़्यादा है डीसी एयर पंप में। क्योंकि डीसी एयर पंप आप रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में चलता है। रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम में चलने के लिए इसका एयर खींचने का कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है। ग्रैंड एचजेड 60 सुनसुन यूटिंग डीसी मैग्नेटिक एरेटर पंप देखने में ऐसे रहता है। ये मैग्नेटिक पंप का एयर सक्शन इधर से होता है, रेसिप्रोकेटिंग करके एयर पंप का डिस्चार्ज इधर से होता है। ए पंप का बॉडी में पूरा टेक्निकल डिटेल्स लिखा रहता है। ये डीसी 12 वोल्ट में चलता है। 60 वाट पावर कंजम्पशन है। 70 kPa एयर प्रेशर है। एयर फ्लो है 85 लीटर पर मिनट। ये फिश ट्रांसपोर्ट के टाइम में आप ये गाड़ी में 12 वोल्ट बैटरी देके भी चला सकता है। गाड़ी का रूफटॉप में आप सोलर पैनल लगा के भी ये पंप आप यूज कर सकता है। ये आप फिश ट्रांसपोर्ट के टाइम में ये आप यूज कर सकता है। एसी डीसी एडोप्टर यूज करने से सबसे जो ज्यादा खासियत है वो आपको 140 वोल्ट से आप 260 वोल्ट तक ये चला सकता है। आपका जो एक बा दो फिश टैंक कर रहा है उसके लिए ये सुटेबल है, आप ये यूज कर सकता है। इसका पावर कंजम्पशन लो है, इसीलिए आपका इलेक्ट्रिक बिल कम आएगा। अभी आप लोग को एक पंप रन करके आपको दिखाएंगे। ये एसी डीसी एडोप्टर है। इसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव ये डीसी पावर आउटपुट है, ये एसी पावर इनपुट है। ये इनपुट का एरिया है, ये डीसी आउटपुट का एरिया है। इसमें रेड कलर का जो वायर है वो आपका प्लस सिंबल में लगेगा, और ब्लैक कलर का जो वायर है वो माइनस सिंबल में लगेगा। ये आप फूल होने से ये जल जाएगा, पंप भी जल सकता है, इसीलिए ये वायर लगाने का टाइम में ये ध्यान से लगाने होगा। रेड कलर ऑलवेज प्लस में, ब्लैक कलर ऑलवेज माइनस में। डीसी करंट का यही सिस्टम है। इसमें एसी पावर सप्लाई है। इसमें आपका न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, लाइव है।